छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से ही संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से जुट गई है। यही वजह है कि पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल शुरू कर दी गई है। साथ ही आगामी दिनों में भी कई फेरबदल की संभावना है। सबसे बड़ी फेरबदल हाल ही में पार्टी के द्वारा राजनीतिक मामलों की समिति में की गई। AICC ने राजनीतिक मामलों की समिति की घोषणा की, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताओं को बाहर किया गया है। उनकी जगह पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र समिति से वरिष्ठ मंत्री TS सिंहदेव को बाहर रखने की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पिछली बैठक में चुनावी समितियों के गठन पर चर्चा हुई थी। कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों की समिति, घोषणा पत्र समिति, चुनाव अभियान समिति, समन्वय समिति, प्रचार और प्रकाशन समिति, अनुशासन समिति और चुनाव समिति आदि के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने राजनीतिक मामलों की समिति का आदेश जारी कर दिया। इसमें प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, विधायक सत्यनारायण शर्मा, धमेंद्र साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और CMDC के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को रखा गया है। इस फेरबदल के बीच खास बात यह रही कि पार्टी ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में कृषि राज्य मंत्री रह चुके अरविंद नेताम को समिति से किनारे कर दिया है। उनकी जगह पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को शामिल किया गया है। इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है कि अरविंद नेताम आदिवासी मामले को लेकर कई बार अपनी सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए थे और माना जा रहा है कि यही वजह है कि अरविंद नेताम को राजनीतिक मामलों की समिति से दूर रखा गया है। 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनाव से 10 महीने पहले समितियों की घोषणा की थी। इसमें चुनाव घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष TS सिंहदेव को बनाया गया था। उनके अलावा डॉक्टर चरणदास महंत, मोहम्मद अकबर, धर्मेंद्र साहू, रविन्द्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, करुणा शुक्ला, अरुण वोरा, रमेश वल्याणी, शिशुपाल शोरी, रामदयाल उइके, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और राजेश तिवारी को इस समिति में रखा गया था। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 2018 की जीत ने जनता को भाजपा से नाराजगी से अधिक कांग्रेस की घोषणाओं ने प्रभावित किया था। इस बार समीकरण बदले हुए हैं। बताया जा रहा है कि PCC नेताओं ने सिंहदेव के बैठक में पहुंचने से पहले ही घोषणा पत्र समिति के नाम कर दिए थे। उसमें सिंहदेव का नाम शामिल ही नहीं किया गया। अब देखना यह है कि कांग्रेस हाईकमान इसी सूची को मंजूरी देती है अथवा इसमें कोई बदलाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।